सिंगल कलर पे रोक रहे जैसे रेड पे हो गया, ग्रीन हो गया, अच्छा ब्लू हो गया, मलर मोड पे व्हाइट हो गया। हाँ, आप किसी भी कलर पे इसको स्टॉप कर सकते हैं। साइडों पे घंटियां लगी हुई है, पूरी बीच में बेल्ट लगी हुई है, देख सकते हो। इसके अंदर हमने स्लाइडिंग डोर दे रखे हैं। डोर्स का कंसेप्ट कैसा रहने वाला है वो आप देखिएगा। ये ओपन किया आपको स्लाइड्स पर हनुमान जी को बिठाने के लिए। और ये देखो पीछे कितना प्यारा वर्क हुआ, आप इसकी थोड़ी वो बता दो क्या रहने वाला है। जो साइज है हमारा 3 फुट चौड़ा है, 2 फुट गहरा है, 6.5 फुट। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे लोग अच्छे होंगे? तो गाइस हमने टाइटल देख के समझ गए मैं कहाँ पे आया हूँ। तो सच में आ गए सृजन डेकोरेटर्स पे। आपको यहाँ मिलने वाली है सारी मंदिर वैरायटी। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े साइज के आपको मंदिर मिल जाते हैं। पूरे फुल वैरायटी में आपको यहाँ पे मिलने वाले, ऐसे डॉट्स वाले मिलने वाले, लाइटिंग के साथ रिमोट कंट्रोल लाइट रहने वाली है। ऊपर भी आपको पूरा गोडाउन विजिट कराऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो ऐसे ऐसे आपको मिल जाएंगे मंदिर, बड़े बड़े सारे साइज आपको एक सबके नीचे मिलने वाले हैं। या टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट बात करते सीधा भैया से, उनसे पूछते हैं कितना पुराना काम रहने वाला है। हेलो भैया, कैसे हो आप? बढ़िया। तो भैया मैं कितना पुराना काम रहने वाला है सृजन डेकोरेटर? तकरीबन 22 साल पुराना काम है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास मंदिर अपनी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग है? मैन्युफैक्चरिंग है और सारा होलसेल और रिटेल सारा काम, और होलसेल रिटेल दोनों रहने वाला। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, कोई पार्ट स्किप मत करना। तो भैया आज की वीडियो में कितने बजे स्टार्ट करोगे मंदिर वगैरह अपने? मंदिर आपको स्टार्ट करूंगा 300 रुपए की रेंज से। 300 रुपए से मंदिर स्टार्ट होता है? तो दिखाओ भैया कौन सा रहने वाला 300 के अंदर। ये देखिएगा 300 रुपए। अच्छा, 400 रुपए ट्रे मिल जाती है। अच्छा। बाकी ये हो गया नेक्स्ट, आगे 400 रुपए का है। ये वुडन के अंदर पॉलिश वाला होल्डर लगा होता है, होल्डर इससे इसमें आपको लगा हुआ। अच्छा, ये क्या रेट आता है? ये वाला 500 रुपए है, ये वाला 600 रुपए। अच्छा, बाकी सर जो वीडियो देख के आते उसके लिए डिस्काउंट कर देते हैं, स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है सर, आगे की रेंज में चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइज हमारा ये आ जाता है, कुछ आजकल व्हाइट ट्रेंडिंग के अंदर, व्हाइट के अंदर छोटी सीरीज पूरी तैयार की हुई है। इसके बैक पैनल पे लाइट रहती है क्या? इसके बैक पैनल पे लाइटिंग रहेगी, इस टाइप से लाइटिंग वगैरह बड़ा साइज है। अच्छा,2022, 2400, 2600 और बढ़िया व्हाइट पीयू पॉलिश है, जिसमें पॉलिश के अंदर कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। और साइड पे भी जाली कटिंग है, सामने भी जाली कटिंग है, कस्टमाइज भी करा सकते हैं। बाकी इसमें एक वही ट्रे आएगी धूपबत्ती दिया जलाने के लिए, और नीचे नॉब लगेगी, बढ़िया फैंसी नॉब वगैरह लगा करके बुक्स वगैरह रख सकते हो, मतलब कुछ भी आप पूजा पाठ का सामान। साइज ही आ जाता है। अच्छा, ये हमारे कलरफुल मंदिर है। अच्छा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जोधपुरी कंसेप्ट है। इसके अंदर ये स्टार्टिंग साइज है हमारा 15 इंच, इससे छोटा भी आता है, वैसे अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी ये 15 इंच का साइज है। इससे नेक्स्ट हमारा ये 18 इंच है, ये ओपन है, नेक्स्ट डोर वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है ये 20x12 का साइज है, 20 इंची चौड़ा, 12 इंची गहरा रहने वाला है। और ये बैक पे ब्राउन के अंदर लाइटिंग के साथ है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें साइज आ जाता है, ये 24 इंची चौड़ा और 12 इंची गहरा है। प्राइस क्या रहता है? ये वाला है 3800 और ये 4000 का, मतलब अलग ही क्वालिटी रहने वाली है। और इसको वॉश करना हो या क्लीन वगैरह करना हो, पीला सूखा कपड़ा जैसे मर्जी यूज कीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि आपका पीला पड़ जाएगा या पेंट वगैरह उतरता तो नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5-7 साल तक आपको अगर अच्छे से आप मेंटेन करते हैं तो 5-7 साल तक तो आपको कोई इसमें 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बेल मतलब बढ़िया क्वालिटी का रहने वाला है ना, आप देख सकते हो। फिनिशिंग भी काफी अच्छी रहने वाली है। और थोड़ी बात करूँ जैसे कि मैं एक्रेलिक के अंदर अपने पास कितने स्टार्टिंग होता है? एक्रेलिक के अंदर देखिए अगर हम स्टार्टिंग रेंज जाते हैं तो ये वाला आ जाता है हमारा 1800 रुपए की रेंज में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये हमारा है, इसमें बैक में हमने ओम जाली और ऐड ऑन की है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये लेजर कटिंग के अंदर है, 12 इंच 18 इंच। उसके बाद ऊपर आ गया वो शुभला वाला डिजाइन है बैक पे, मतलब इसके अंदर ना एक्रेलिक के अंदर हमने बहुत सारी अलग अलग सीरीज बनाई है और बहुत सारे डिजाइन बनाए हैं। अभी मार्केट में सिर्फ नॉर्मल यही वाला डिजाइन बिक रहा है, बट हमारे पास जो स्पेशल सीरीज है ये हो गई, ऊपर बैक जाली हो गई, शोभला वाला डिजाइन हो गया, उसके साइड पे कलश भी कटा हुआ है। प्लस हम एक और नई चीज लेकर के आए हैं, ग्लास टेम्पल। अच्छा, ग्लास टेम्पल देखिए ग्लास टेम्पल है। अच्छा, इसकी लाइटिंग लुक ऐसी लगेगी जैसे मतलब बिल्कुल डिफरेंट लुक, और इसकी लाइफ ऐसी है कि आप एक बार नहीं और जिंदगी भर यूज करें। अच्छा, ना गंदा होगा, ना खराब होगा, ना लाइटिंग की कोई दिक्कत आएगी। यहाँ से भी दिखाता हूं, इसमें दो कितने लाइट्स का ऑप्शन है? सिंगल लाइट है, इसमें सिंगल लाइट रहती है, पर लाइटिंग का कंसेप्ट देखिए कितना डिफरेंट है, कितना ब्यूटीफुल है, काफी अच्छा और यूनिक रहने वाला है, काफी बढ़िया रहने वाला है। और आगे चलते थोड़े बड़े मंदिर की बात करते हैं। बड़े मंदिर के अगर हम स्टार्टिंग रेंज में जाएंगे तो ये वाला आ गया हमारा ओनली 4500 का। इतना बड़ा मंदिर है, 4500 का डोर आपको ये आ गया। ये इसमें ट्रे आ गई, धूपबत्ती दिया जलाने के लिए होल्डर रहता है, ये डोर आ गई, होल्डर वगैरह लगा हुआ होगा इसके अंदर लाइटिंग के लिए होल्डर लगा हुआ। उसके बाद हमारे इसमें नेक्स्ट साइज जो है मैं व्हाइट के अंदर आपको दिखा देता हूँ, ये वाला आ गया विद लाइटिंग है। ये 2.5 फुट चौड़ा है, 1.5 फुट गहरा है। हाइट क्या रहेगी? हाइट इसकी तकरीबन अगर हम यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो 5 फुट के आसपास रहने वाली है। अच्छा, और इसका गुंबद फोल्डिंग है, कई कस्टमर विदाउट गुंबद मांगते हैं। अच्छा, तो हम
एडजस्टेबल है, हटा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं, ठीक है। और ये पीछे देख सकते हो लाइटिंग के ऑप्शन आते हैं, कटिंग आप देख सकते हो, बोर्ड फिगर में मतलब कुछ भी आप करवा सकते हो इसमें कस्टमाइज। प्लस इसमें वही रिमोट वाली लाइटिंग है, अगर आपने सिंगल कलर पे रोके जैसे रेड पे हो गया, ग्रीन हो गया, अच्छा ब्लू हो गया, मतलब व्हाइट हो गया, हाँ आप किसी भी कलर पे इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा साइज, इसके अंदर ना बहुत सारे साइज आते हैं, अच्छा। तो दो फुट, ये ढाई फुट चौड़ा है, इसमें दो फुट चौड़ा भी मिलेगा और तीन फुट चौड़ा भी मिलेगा, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपके हिसाब से आपको ले सकते हो, देख सकते हो। इसके ऊपर बात करें तो बड़ा मंदिर, इसके बाद देखिए जब नेक्स्ट मंदिर आता है हमारा, ये वाला साइज है, ये देखिए ये तीन फुट चौड़ा है और डेढ़ फुट गहरा है, पांच फुट हाइट है इसकी, बहुत ही प्यारी लुक है। बैक में हमने येलो लाइट का कंसेप्ट दे दिया है, प्लस रिमोट लाइट है, ऊपर पिंक लाइटिंग है, बोर्ड फिगर आने वाला पूरा लाइटिंग का जो हमने कंसेप्ट दिया है, रिमोट कंट्रोल लाइट आती है, हाँ इसमें भी रिमोट कंट्रोल वाली लाइट रहेगी। अच्छा ये देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, अच्छा ये रेड कलर में रुक गया, चेंज कर सकते हो जो आपको चाहिए, बाकी एक जी एक वो ऑप्शन है, सारे अपने आप चलते जाते हैं, ये फ्लैश फ्लैश का ऑप्शन रहता है, उसमें ऑटो चेंज हो जाता है, अपने बॉडी की लाइटिंग चेंज होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट साइज जो आने वाला है, ये देखिएगा हाइट भी क्या रहती है इसकी, इसकी हाइट देखिए, इसके तो साइज जो हमारा तीन फुट चौड़ा है, डेढ़ फुट गहरा है, तो कॉम्बिनेशन रहने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें ये आ जाती है ट्रे, धूपबत्ती, दिया जलाने के लिए ओम है, अंदर कॉर्नर्स लगे हुए हैं, लाइटिंग मल्टी कलर भी है, पीछे वॉर्म व्हाइट कलर की लाइटिंग भी है, बहुत प्यारा हाइड्रोलिक वाले इसमें कब्जे लगे हुए, स्लो मोशन में अपना बंद होता रहेगा, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। जाली कटिंग की फिनिशिंग आप देखिएगा, फिनिशिंग आपको बहुत ब्यूटीफुल मिलने वाली है, बढ़िया। हमारा मेन जो फोकस रहता है वो उसकी फिनिशिंग पे रहता है, नीचे स्टोरेज भी काफी अच्छे रहने वाले हैं और हैंडल भी काफी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप कितना बड़ा स्टोरेज मिल जाएगी आपको उसके अंदर रखने के। स्क्रीन पे नंबर आए, डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस वगैरह शेयर कर दूँ, गांधीनगर महिला कॉलोनी में रहने वाली फर्नीचर मार्केट में शॉप। नेक्स्ट मंदिर चलते हैं, ये वाला नेक्स्ट मंदिर है हमारा पिलर वाला मंदिर, अच्छा पिलर में इसके पिलर्स में लाइट है, बैक पे ओम के पीछे भी लाइटिंग आएगी, अच्छा। बाकी इसकी वही सेम कंसेप्ट है, ये ट्रे आगे, धूपबत्ती दिया जलाने के लिए, स्टोरेज स्टोरेज आगे, मतलब सबके साथ रहने वाला, ठीक है। इसमें आपको वो मिल गया बीच में, हाँ इसमें शेल्फ है, एडजस्टेबल है, आप हटा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं, कोई बड़ा सामान रखना हो तो हटा सकते हैं। मंदिर की ब्यूटी पॉलिश फिनिशिंग आपको बहुत ग्रेसफुल मिलेगी। और हाइट की बात करोगे, हाइट इसकी 6 फुट हाइट है, ठीक है। 3 फुट चौड़ा है, डेढ़ फुट गहरा है, 6 फुट हाइट है इसकी। नेक्स्ट हमारा आ गया ढाई फुट चौड़ा है, डेढ़ फुट गहरा है, 6.5 फुट हाइट है विद गुंबद, बिना गुंबद के लेंगे तो 64 इंच इसकी हाइट रहने वाली है। ये टीक व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, इसको टीक कलर बोलते हैं। इसमें भी बैक पे जाली व्हाइट कलर की रहेगी, उससे लाइटिंग का कंसेप्ट अच्छा आ जाता है, प्लस ये ट्रे आ गई धूपबत्ती दिया जलाने के लिए, सेम कंसेप्ट है, ठीक है ना। रिमोट वगैरह भी सब वैसे रहने वाला। प्राइस की बात करो तो क्या रेट पड़ेगा? प्राइस इसका जो प्राइस रेंज है हमारा 14,500 रुपए के रेंज के अंदर रहने वाला है ये मंदिर, और सिंगल पार्ट के अंदर है, ले जाना पैकिंग करना। अगर हम कहीं बाहर, आप दिल्ली से बाहर मंगाते हैं तो उसमें लकड़ी की पेटी बना करके उसको पैकिंग करके भेजते हैं, पैकिंग चार्ज बिल्कुल सेफ्टी के साथ पहुंचेगा, प्लस पैकिंग चार्ज डिलीवरी चार्ज इन प्राइसेस से एक्स्ट्रा रहने वाला है जो आपको बता रहे। वो पिन कोड की कोड नहीं रहेगा, आप नंबर आ रहे कॉल करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट मंदिर चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट मंदिर देखिएगा जी, ये है हमारा बैक कोरियन वाला, अच्छा बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, बीच में घंटी भी लगी हुई है, शेरा वाली माता है, सॉफ्ट क्लोजर वाले हमारे चैनल्स लगे हुए हैं, इसके अंदर स्टोरेज मिल जाती है, दो ट्रे मिल जाती है, ये देखिए आपको मिल जाते हैं, ड्रॉवर्स वगैरह मिल जाते हैं। और हाइट की बात करो तो क्या रहने वाला है इसका? जो साइज है हमारा 2 फुट चौड़ा है, 1.5 फुट गहरा है, 7 फुट हाइट है गुंबद के साथ, अच्छा ठीक है। और प्राइस की बात करो तो प्राइस की बात करेंगे तो बैक कोरियन होने की वजह से इसका प्राइस रेंज थोड़ा सा अपर साइड चला जाता है, 28,000 का है। अच्छा, देखने में काफी ज्यादा सुंदर रहने वाला मंदिर। बेल देख सकते हो, हर जगह आपको बेल मिल जाएगी, साइड्स में बीच में बेल मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आप स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं कॉल कर सकते हो। अगला चलते हैं, कौन सा मंदिर जाने वाला है? अगला मंदिर जो है आप देखिएगा, अपना ये है 2 फुट चौड़ा है, ग्लास के डोर मिल जाते हैं, ग्लास डोर है, अंदर शेल्फ है, हर कॉर्नर के नीचे शेल्फ के नीचे आपको लाइटिंग मिलेगी, अच्छा वो ठीक है। बैक पे ओम के पीछे भी लाइटिंग वाइट लाइट मिल जाएगी हर आपको कॉर्नर के नीचे। अंदर एक छोटी सी चौकी दे रखी है, जो भी आप बीच में मतलब भगवान जी को जो आप रखना चाहे आप रख सकते हैं, बाकी छोटे छोटे ऊपर नीचे रख सकते हैं। ये एक छोटी सी कंसेप्ट, छोटी सी जगह के हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है, ब्यूटीफुल मंदिर आने वाला है। प्राइस की बात करूं क्या रहेगा? प्राइस की बात करेंगे तो ये 18,500 की रेंज का रहेगा। बाकी वीडियो देख के आएगा जो उनको डिस्काउंट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो एक बड़ा मंदिर, एक बड़ा मंदिर और है हमारा, बहुत ब्यूटीफुल है। ये पीयू पॉलिश के अंदर है, ब्राउन पॉलिश व्हाइट पॉलिश, ये व्हाइट पीयू पॉलिश के अंदर है, ब्राउन व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। इसका जो साइज है हमारा 2.5 फुट चौड़ा, 1.5 फुट गहरा और तकरीबन 6 फुट हाइट है टोटल मंदिर की। आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना तो कैसे आप वो भी करवा सकते हो, है ना, हर मंदिर के अंदर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं तो ये वाला मंदिर, नेक्स्ट देखिएगा जी, ये वाला है, ये हमारा 2.5 फुट चौड़ा है, 2 फुट गहरा है,
तकरीबन 7 फुट 2.5 फुट इसके अंदर हमने स्लाइडिंग डोर दे रखे हैं। डोर्स का कंसेप्ट कैसा रहने वाला है आप देखिएगा, ये ओपन किया आपको स्लाइड करके अंदर चलेगा, मतलब स्पेस थोड़ा कम लेंगे है ना। और ये देख सकते हो पीछे पैनल का वर्क भी काफी हैवी है और छोटी छोटी लाइट इसके यहाँ पे भी लगी है, देख सकते हो वॉर्म व्हाइट कलर की लाइट लगी है। अगर आपको कोई लाइट पैनल्स वगैरह चेंज करना है, गॉड फिगर में कुछ कस्टमाइजेशन कराना है, मंदिर में कुछ आपको हैंडल्स में वर्क कराना है, कुछ भी कराना है तो आप करवा सकते हो है ना। और ये देख सकते हो इसमें आपको मिल काफी अच्छा, देख सकते हो कितना अंदर डीप रहने वाला स्पेस आपको अच्छा मिल रहा था। प्राइस की बात करो तो कितना रहेगा ये? 28,500 की प्राइस रेंज में रहने वाला है। अच्छा, बाकी स्लाइडिंग डोर के साथ है ये देखिएगा, तो ये भी काफी अच्छा है वर्क, मतलब डोर पे भी काफी अच्छा वर्क हुआ है ना, मोर पंख बने हुए हैं, मोर पंख बने हुए हैं ये देखो। बाकी अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ भी करवाना है तो आप करवा सकते हो। 7 फुट इसकी हाइट रहने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं तो ये वाला मंदिर भी काफी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला है। पीछे देख सकते हो गणेश जी है और यहाँ पे भी एक वो बना हुआ है, ठीक है ना, चौकी टाइप, और आप देख सकते हो भगवान जी को बिठाने के लिए। और ये देखो पीछे कितना प्यारा वर्क हुआ, आप इसकी थोड़ी वो बता दो क्या रहने वाला है। इसका जो साइज है हमारा 3 फुट चौड़ा है, 2 फुट गहरा है, 6.5 फुट हाइट है टोटल हमारे मंदिर की, ठीक है जी। यार पिलर्स पे आप डिजाइनिंग देखेंगे तो काम किया हुआ, डिफरेंट काम है, डिफरेंट वर्क है। ट्रिपल शीट के अंदर है, गोल्डन ब्राउन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन दे रखा है पूरे मंदिर के अंदर। नीचे आपको वही नीचे ये जमीन पे बैठ के पूजा करने के हिसाब से एकदम परफेक्ट मंदिर है और बहुत ही अल्टीमेट मंदिर है। और लाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट किया हुआ है ना बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। प्राइस की बात करोगे क्या रहने वाला है? प्राइस की बात करेंगे तो ये 32,500 रुपए की रेंज का रहने वाला है हमारा। 32,500 की रेंज का रहने वाला है, सभी रेंज मिल जाएगी आपको अपना 10,000 रुपए से लेके बड़े बड़े मंदिर में, 10,000 रुपए से लेके हमारे पास 50,000 रुपए तक की रेंज है। हाँ। जब आप विजिट करेंगे या कॉल करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या साइज चाहिए, हम उसके हिसाब से सब आपको एंटरटेन करेंगे, सब चीजें डिटेल देंगे। बाकी वही है कि वीडियो में इतना ज्यादा दिखा नहीं सकते क्योंकि वीडियो भी लंबी रहती है। आप नेक्स्ट मंदिर भी और भी दिखाना, गुडाउन भी आपको विजिट करेंगे तो वीडियो को देखना, ये देखो काफी अच्छा वर्क है पैनल में, ठीक है। और साइज और हाइट एक बार बता दो क्या रहने वाला है इसका? ऊपर भी लाइट्स लगी हुई है इसके अंदर। ये हमारा 2.5 फुट चौड़ा है, 1.5 फुट गहरा है और तकरीबन 6.5 फुट हाइट है गुंबद के साथ। अच्छा, इसके अंदर तो साइड अपना लुक वगैरह दे रखी है, प्रॉपर सनमाइका के अंदर है, नीचे लकड़ी लगी हुई है, ऊपर सनमाइका प्रेस्ड है, ठीक है। तो इसमें हम गीला सूखा कपड़ा कुछ भी मारी, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपको इसको 20 साल तक मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी लुक है। और हैंडल्स वगैरह देखिए, सब हमने एक अच्छे ग्रेड के हैंडल्स वगैरह लगा रखे हैं, गोल्डन लुक में दे रखे हैं हैंडल्स। चैनल्स वगैरह भी हम जो यूज करते हैं इक्विवेलेंट टू ब्रांड है, मतलब कहीं भी आपको चैनल्स वगैरह मिल रहा है, कहीं भी आपको चैनल्स वगैरह के अंदर पॉलिश के अंदर या कोई भी फिनिशिंग के अंदर आपको ना दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप अंदर तक देखेंगे आपको सब बहुत ब्यूटीफुल मिलने वाला है। क्या प्राइस आने वाला है? इसका जो प्राइस रेंज है हमारा 25,000 का है, 25,000 का। बाकी एक और आगे गणेश जी वाला मंदिर है हमारा, पीयू पॉलिश के अंदर है, ऊपर भी लाइटिंग अलग है, पिंक कलर, ऊपर पिंक कलर लाइटिंग है, बैक पे वार्म व्हाइट है, सेंटर में मल्टी कलर है, सब लाइटिंग है। बाकी लाइटिंग हम आपके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे तो शुगला और बेल्स लगी है गणेश जी, बाकी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करा सकते हो है ना। इसका प्राइस की बात करो तो ये क्या रहता है? इसका प्राइस रेंज हमारा रहने वाला है 14,500 रुपए का, 14,500 का। और एक बार ये ग्लास वाले का भी एक बार प्राइस बता दे क्या रहता है? ग्लास वाले में इसका प्राइस रेंज रहने वाला 9,500, इससे छोटा है हमारा 8,500। अच्छा, और उससे छोटा है 7,500। साइज के अकॉर्डिंग रेट, साइज के अकॉर्डिंग रहने वाला है, रहने वाला है जहाँ हमारा स्टॉक होता है पूरा, छोटे बड़े साइज सभी तरह के आपको मिल जाएंगे। इस टाइप से पैकिंग होकर हमारा माल जाता है, बिल्कुल सेफली पहुंच जाता है, बिल्कुल सेफली पहुंच जाता है। कई जगह हम इटलॉन वगैरह लगा करके पैकिंग कर देते हैं ताकि सेफ्टी से आपके घर पे आपको मिल जाए, सेफ्टी से पहुंचा है, लकड़ी की पेटी वगैरह बनाते हैं उसके बाद भेजते हैं। तो एक बार मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं कि आपको यहां पे देख सकते हो काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं मंदिर के अंदर, साइज मिल जाते हैं, देख सकते हो बेल वाले मंदिर हो गए, काफी ज्यादा हाइटेड मंदिर मिल जाते हैं। इसकी हाइट तो काफी ज्यादा रहने वाली है, मतलब इसकी हाइट टोटल 7.5 से 8 फुट के आसपास है। और काफी अच्छा पीछे वर्क हुआ है, ओम का पीछे आप देख सकते हो, वैरायटी ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, साइज ये देख सकते हो, वैसे डोर वाले मिल जाते हैं, बेल ऑप्शन मिल जाता है, पीछे भी देख सकते हो, ठीक है, शेल्फ मिल जाती है इसमें, कॉर्नर वगैरह ये सब वैरायटी आपको मिल जाती है। और ये सब इनकी लाइट वगैरह की क्वालिटी कैसी रहती है? लाइट्स की क्वालिटी पे हम खास ध्यान रखते हैं ताकि कस्टमर्स को कोई दिक्कत परेशानी ना आए लॉन्ग टाइम तक। अच्छा, तो ये भी काफी सुंदर मंदिर रहने वाला है। और ये देख सकते हो ऊपर भी ओम का स्वास्तिक, ये सब अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइजेशन करके लाइट वगैरह भी चेंज करवा सकते हो। तो आपको यहाँ पे आओगे तो गाइस आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम मैं तो कहूँगा शॉप पे विजिट करो, सामने से लो, हैंड टू हैंड पैक करो, लेके जाओ, ठीक है ना। और ये देख सकते हो हाइटेड चाहिए मंदिर आपको, छोटे साइज में चाहिए, अपने घर के अकॉर्डिंग अगर आपको बनवाना है तो वो भी बन जाता है ना, बन जाता है। तो कितने टाइम तक बना के आप इसको कस्टमर्स को देते हो? डिपेंड करता है डिजाइनिंग पे और उसके काम पे। अच्छा, 10 दिन से लेके 20 दिन या 25 दिन तक भी लग जाते हैं एक मंदिर को तैयार करने। अच्छा, अगर आपकी जैसे साइज और हाइट के अकॉर्डिंग जैसा काम है ना, तो जितना जल्दी हो सकता है तो जल्दी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो छोटे मंदिर बड़े मंदिर हर साइज के आपको मंदिर मिल जाते हैं, देख सकते हो ये भी काफी बड़ा मंदिर आने वाला है।
मतलब आपको यहाँ पे डोर के अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ मंदिर यहाँ भी पड़े हैं ऐसे जोधपुरी में, है ना। ये देखो डोर वाले, इसके पीछे भी लाइट चलती है, पीछे लाइटिंग आएगी, अच्छा, सब में लाइटिंग चलती है। इसमें साइज वगैरह मिल जाते हैं और आपको साइजेस सब अलग अलग अवेलेबल होते हैं, छोटे में बड़े में, कितना गहरा मोल बना रखा है। अच्छा डिजाइनिंग हम आपके हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, बाकी हम लाइट का हम अपने पास ही इतनी वैरायटी इतने डिजाइन रेडी करके रखते हैं कि आपको शायद रिक्वायरमेंट ही ना पड़े, अपने हिसाब से कुछ प्लान कर लेगा। हम आपको इतनी रेंज दिखा रहे हैं, ये भी काफी अच्छा रहने, उसमें भी लाइट चलती है ऊपर। हाँ लाइटिंग सब में है, कोई भी मंदिर विदाउट लाइटिंग नहीं है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो, आपको आना पड़ेगा महिला कॉलोनी गांधीनगर फर्नीचर मार्केट के अंदर। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, एड्रेस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँ। जैसे गोडाउन भी विजिट करा दिया आपके व्यूअर्स को, स्टॉक तो बहुत सारा आने वाला है। गाइस आपको मंदिर में काफी सारी वैरायटी और आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं साइज के अकॉर्डिंग, जैसे 300 रुपए से स्टार्ट होने वाला, बड़े बड़े हाईटेक मंदिर आपको सारे मिल रहे। मैं तो आपको सजेशन दूंगा फर्स्ट टाइम शॉप पे विजिट करो। सर से पूछो शॉप पे किसी नाम का नियर मेट्रो वगैरह कौन सा रहने वाला है यहाँ आने के लिए। सर नियर अबाउट जो मेट्रो रहने वाला है हमारा महिला अपना शास्त्री पार्क मेट्रो या निर्माणगार मेट्रो और कृष्णा नगर मेट्रो। आना पड़ेगा आपको महिला कॉलोनी गांधीनगर फर्नीचर मार्केट के अंदर, फर्नीचर मार्केट के अंदर दिल्ली। सामने सामने आपको रिक्शा छोड़ेगा, बैटरी रिक्शा से भी आ सकते हो या अपनी कन्वेंस से भी आ सकते हो इजिली आप यहाँ पे ट्रैवलिंग करके, और बहुत ही ज्यादा जनवन रेट पर। बाकी वीडियो देख के आएगा उसको डिस्काउंट दे दोगे ना, बिल्कुल देंगे। बाकी अगर नया जो आइटम मतलब ऐप स्टॉक आएगा उसकी भी वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, जल्दी मैं वीडियो नहीं छोड़ता।